बीसीसीआई ने जारी कर दिया दोस्तों ओडीआई स्क्वाड ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। कुछ नए नाम जो है वो वापस आ गए हैं ओडीआई स्क्वाड में और आपको कुछ नए प्लेयर्स जो है खेलते हुए दिखाई देंगे जो कि बहुत दिन से जो है ओडीआई टीम से यानी इंडियन टीम से जुटे हुए नहीं थे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ओडीआई स्क्वाड में क्या क्या चेंजेस हुआ है और कौन कौन से प्लेयर जो है आपको ओडीआई में खेलते हुए दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो फटाफट जहां तक बात करें दोस्तों, जयदेव उनादकट हो गए नए प्लेयर। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, केएल राहुल और सरेश अय्यर, ये चार प्लेयर जो है वापसी कर रहे हैं दोस्तों इंडियन ओडीआई स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जैसा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों ये सारे प्लेयर जो है वो क्या बोलते हैं अपने कुछ इंजर्ड से और कुछ कामों में व्यस्त थे, जैसे कि केएल राहुल शादी कर रहे थे तो इस कारण से वो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो वनडे नहीं खेल पाए थे, बट दोस्तों वो भी वापसी कर लिए हैं दोस्तों टीम में फिर से। ठीक है दोस्तों, और कौन किसे किसे निकाला गया उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। शहबाज अहमद, उसके रजत पटेडर और के एस भर, इन तीनों को जो है ओडीआई स्क्वाड से निकाल दिया गया है। और दोस्तों वापसी कौन कौन कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको नाम बता दिया, क्या बोलते हैं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, केएल राहुल और जयदेव उनादकट, तो ये चारों जो है वापसी कर रहे हैं ओडीआई स्क्वाड में जो कि 17 मार्च से जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है। उसके बारे में दोस्तों फिलहाल तो दोस्तों दो टेस्ट चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, दो टेस्ट और बाकी है, दो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो टोटल जो है आपका 9 मार्च को जो है लास्ट टेस्ट है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद जो है 17 मार्च से दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो है वनडे यानी तीन वनडे मैच का जो है सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए जो है बीसीसीआई ने दोस्तों आज शाम ही जो है स्क्वाड जारी कर दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों केएल राहुल वापसी कर रहे हैं दोस्तों ओडीआई स्क्वाड में, किसके जगह पे, के एस भरत की जगह पे। इसके अलावा फटाफट हम लोग शुरू से स्क्वाड को देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर रहेंगे दोस्तों ओडीआई स्क्वाड में। फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित शर्मा कैप्टेंसी करेंगे दोस्तों, इसके अलावा वाइस कैप्टन जो है केएल राहुल नहीं रहेंगे, उनके जगह पे दोस्तों हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, किसका, ओडीआई स्क्वाड का। ठीक, इसके अलावा आप सभी के लिए दोस्तों सुमन गिल, जो कि एक शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, अच्छा प्रदर्शन किया ट्वेंटी में, अच्छा प्रदर्शन किया वनडे में, अच्छा प्रदर्शन किया और वनडे में दोहरा शतक भी लाया, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो टीम में होना ही जरूरी है। इसके अलावा ईशान किशन होंगे, इसके अलावा सरेश अय्यर होंगे, इसके अलावा और भी स्क्वाड की जहां तक बात की जाए तो क्या बोलते हैं ऑलराउंडर में आपके लिए हार्दिक पांड्या होंगे, वाशिंगटन सुंदर होंगे, इसके अलावा रविंद्र जडेजा होंगे, अक्षर पटेल होंगे, ये हो गया दोस्तों आपके लिए इसकी बात। इसके अलावा दोस्तों हाँ सूर्य कुमार यादव होंगे बैटिंग में, इसके अलावा उसके अलावा बॉलिंग में ज़्यादा बात कीजिए कुलदीप यादव होंगे, मोहम्मद शमी होंगे और सिराज होंगे, इसके अलावा उमरान मलिक होंगे और क्या बोलते हैं बॉलिंग में जयदेव उनादकट होंगे, तो ये कुल मिलाकर जो है दोस्तों, और इसके लास्ट प्लेयर जो है शार्दुल ठाकुर भी होंगे दोस्तों ओडीआई स्क्वाड में। तो दोस्तों इतने प्लेयर्स होंगे ओडीआई स्क्वाड में किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि होने जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लास्ट मंथ में दोस्तों सुमन गिल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है ओडीआई स्क्वाड में, तो वही उम्मीद के साथ दोस्तों इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है टीम इंडिया। और आप जैसा जान रहे हैं कि इस बार जो है वर्ल्ड कप वो हमारे देश में ही है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है बहुत सारा वनडे सीरीज खेला और अपने टीम को इन्हें अपना परफेक्ट 11 चुनने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए तो बेस्ट बेस्ट प्लेयर खिलाना पड़ेगा ही दोस्तों, जिस कारण से कि हमारा वर्ल्ड कप इस बार जो है वर्ल्ड कप तो जितना ही है, तो जिस कारण से हमें बेस्ट प्लेयर चाहिए ही चाहिए। तो जाहिर सी बात दोस्तों एक और खबर ये भी आ रही है कि पहला मैच जो है पहला वनडे जो होगा 17 मार्च को, उसमें जो है रोहित शर्मा कैप्टेंसी नहीं करेंगे और पहला मैच वो नहीं खेलेंगे, कुछ फैमिली उनका इश्यू है जिस कारण से बीसीसीआई ने यह जारी कर दिया है कि वो पहला मैच खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, उनके जगह पर दोस्तों हार्दिक पांड्या को जो है कैप्टेंसी यानी कप्तानी संभालने दिया जाएगा पहले वनडे का। तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइम होगा जब ओडीआई में जो है हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कैसा हार्दिक पांड्या कप्तानी करे ये भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, कि रोहित के बाद कौन कप्तान रहेगा ये भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा दोस्तों वनडे सीरीज में। और फिलहाल जो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है तो टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी ज़्यादा मजा आ गया, तो क्योंकि दोस्तों आज इंडिया सेकेंड टेस्ट मैच जीत गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक और टेस्ट मैच जीत जाता है इंडिया तो इंडिया फाइनली जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलेगा, इसके साथ साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी उठाएगा, तो ये बेनिफिट है दोस्तों। और देखने वाले बात है कि अब वनडे में कैसा रहता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का प्रदर्शन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इंडियन
बीसीसीआई की तरफ से कि कौन कौन प्लेयर्स वनडे में खेलेंगे और कौन कौन वापसी करेंगे। जैसे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों रविंद्र जडेजा जो कि इनफॉर्म लग रहे हैं और हो सकता है कि वनडे में ये धमाकेदार प्रदर्शन करे अपना और जलवा बिखेरे। इसके अलावा दोस्तों अक्षर पटेल जो लगातार दो टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बल्ले से, तो जाहिर सी बात है कि वनडे में भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आप सभी को। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।